हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोग ना यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यार, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी बहुत सारे यहाँ पे गट्टे पड़े हैं। बताए यहाँ पे बोरियों से भरा पड़ा है धान। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग आए हैं सुबह सुबह अभी, मतलब कि मेरा दोस्त है कि मामा का मतलब धान लाए हैं यहाँ पे दहीखोंगा में। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे धान है, देख सकते हैं, और उस साइड भी बहुत सारे मतलब कि लंबा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ना, यहाँ सीमेंट का बना हुआ है यहाँ पे धान के बोराओं को रखने के लिए। उस साइड से बहुत मतलब 10-10 लाइन से लगे हैं, इधर इस साइड बहुत जगह है। मैं क्योंकि पास मैं यहाँ पे लाए लाए यहाँ पे रखे हैं, और इधर बह गए यहाँ पे पट्टा वट्टा कागजात रखे हैं, इस कारण से मैं यहाँ पे रुका हूँ देख रेख के लिए। और बाकी लोग फिर से अब ट्रैक्टर से गए लाने, तो आप देख सकते हैं। इसलिए यार यहाँ पे बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा, यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे धान। ये तो बस ये क्षेत्र के लिए, और हमारे साइड भी बहुत सारे हैं। हमारे जिस दिन हम लोग का ले जाऊंगा ना गोलाउंड में, वहाँ का भी ब्लॉग आप लोग को देखने में मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे होता है, किसान अपना धान को मतलब कि खमा के यहाँ पे सरकार को यहाँ पे बेचने आ जाता है। तो मतलब यार छत्तीसगढ़ में बहुत ऐसे होता है हर साल, और इस साल क्या हो गया था, बारिश के कारण पूरे धान का फसल पूरा खराब हो गया था। तो इस कारण से अब अभी बात हो गया था कि जो पतला धान है ना उसे मोटा में लेंगे करके, फिर बात के फिर चलो लेंगे लेंगे करके फिर बात के, और एक पास उतार दिया। फिर अभी छाँव लेने गए हैं, मतलब कि धान लेने गए हैं एक ट्रैक्टर, उसके बाद आने के बाद वहाँ काटा वाटा खरेंगे। लेकिन हम लोग काटा खर लिए कितना, 40 किलो का, 40 किलो 300 ग्राम कर लिए हैं। फिर भी उन लोग को दिखाने के लिए फिर एक बार करना पड़ता है। तो आई होप कि बने रहना है वीडियो में, और दिखाऊंगा उस साइड जाके। अभी थोड़ा मैं सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ इस धान की संग्रहण केंद्र को, किस तरह से बड़ा हो, कितना धान यहाँ पे इकट्ठा हो गया है अभी तक। अभी तो कम से कम 10-15 दिन हो गया, और अभी बाकी है, और बाकी ट्रकों से ले जाते भी जाते हैं। इस साल ना बहुत किसानों की फसल बर्बाद हो गई, क्योंकि यार जैसे फसल पकने के बाद काटने के टाइम ना बहुत बारिश हो गई, और पूरा धान की फसल जमीन पे गिर गए, पूरा पानी डूबा गई। अगर आप भी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप भी कमेंट करके बताइए कि अगर आपका फसल भी खराब हो गया या फिर नहीं। अगर अगर किसान परिवार से बिलोंग करते हैं तो ही कमेंट करना। यार बहुत नुकसान हो गया, इसलिए किसानों को मतलब कि सरकार को ना कुछ छूट देना चाहिए। किसानों के जो लैंप्स से कर्जा लिए थे उन्हें माफ करना चाहिए या फिर नहीं, आप कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा, और इस जनता को भी बताइएगा। तो थोड़ा मैं वेट करता हूँ, फिर धान लाने गए लाने तक तो मुझे यहाँ पे इंतजार करना होगा। हालांकि वो मतलब कि बोरी है ना वहाँ से उसको चेंज करने बोले, लेकिन बोरा उधर से नहीं मिला बचता, तो वेट कर रहा हूँ। ओके अकेला हूँ, ठंडी है पता है, यहाँ सुबह सुबह आए थे, जैसे सुबह जैसे सो के उठाई ना मेरे पास बोल के और चलना करके, तो ब्रश व्रश भी नहीं किया, बहुत ठंडी लग रही, इसलिए जैकेट पहना हूँ। लाने गए फिर अभी तकरीबन 7 बज गया, फिर लाने के बाद फटाफट करेंगे खाना बनाई फिर खाएंगे, क्योंकि लाएंगे फिर पता नहीं शाम तक घर जाएंगे। ओके जा के घर, और अभी जा रहे नहाने, और अभी ना हम लोग बाल काटेंगे, इसकी बाल काटना है अभी, देख सकते हैं फटाफट बाल काटने में लग जाते हैं, उसका नहाना भी है क्योंकि ठंड काफी लगने वाली है।